पास से एक ही भगवान है, वो है मैं, सर्वशक्तिशाली सुपर कूल अंडरस्कोर इकलौता भगवान। जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले योगी जी लव जिहाद को रोकने के लिए एक बवासीर सा अध्यादेश लेकर के आए थे, और दोस्तों इस अध्यादेश के समर्थन में हमारे देश के जो गोदी मीडिया है ना, कुछ इस तरीके के बातें कर रहा था। आप खुद देखिए आपके स्क्रीन पर। लव तो अलाउड है लेकिन जिहाद अलाउड नहीं है। लव जिहाद के शिकार हुए लोग कानून बनने की बात से राहत महसूस कर रहे हैं। लव से बैर नहीं लेकिन जिहाद किया तो खैर नहीं। जिहाद वाला लव खैर नहीं। खैर दोस्तों, हमारे देश में जितने भी अनभक्त हैं उन सभी को तो ये लगता ही है कि जो लव जिहाद का रूल लेके आया है ना, कानून लेकर के आया है ना, वो लव जिहाद को रोकने के लिए लेकर के आया है। लेकिन दोस्तों, उनमें से जितने लोग भी अनभक्त नहीं है ना, उन सभी को ये लगता है कि योगी जी जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं ना, वो मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने के लिए लेकर के आया है। तो दोस्तों, ऐसे सोच रखने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनसे बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप चूतिया हैं, वो भी बड़े वाले। न तो ये अध्यादेश मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया है और ना ही लव जिहाद को रोकने के लिए लाया है, बल्कि दोस्तों ये जो अध्यादेश है ना, वो देश के संविधान में अंगुली करने के साथ साथ देश की जनता को चूतिया बनाने के लिए लाया गया है। और दोस्तों, हमारे देश में जितने भी बड़े से बड़े अंधभक्त हैं ना, वो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे ना, तो दोस्तों वे सारे अंधभक्त हमारे इस बात पर यकीन करने पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, योगी जी इस अध्यादेश पर क्या क्या कहा है, पॉइंट टू पॉइंट नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। इसके तहत अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी जांच में ये पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अगर दोस्तों आसान भाषा में कहें तो किसी धर्म का लड़का किसी दूसरे धर्म के लड़की से अपना नाम और धर्म गलत बताकर उसे शादी करता है, या फिर दोस्तों कोई लड़का दूसरे धर्म के लड़की के साथ शादी करने के बाद उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है, तो दोस्तों ऐसा करने वाला लड़का हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, कोई भी धर्म का हो, उसको 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इन बातों को सुनकर तो यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कानून बनाया है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि योगी जी इस कानून को बनाने के नाम पर देश की जो जनता है ना, खास करके दोस्तों यूपी की जो जनता है ना, उसको काफ़ी बड़ा वाला चुतिया बना दिया है। क्योंकि दोस्तों, इन सारे अपराधों के लिए हमारे देश में बहुत पहले से कानून बना हुआ है, ये कौन सा नया कानून लेकर के आया है। नाम और पहचान छिपाकर किसी को धोखा देना आईपीसी के धारा 416 के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और दोस्तों, किसी को धमकी देकर या फिर दोस्तों जबरदस्ती किसी को काम करने पर मजबूर करना, यह दोस्तों आईपीसी के धारा 506 के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों पूरे 2 से 7 साल तक की सजा के प्रावधान है। और दोस्तों, किसी महिला के साथ धोखा देकर और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना, यह दोस्तों आईपीसी के धारा 493 के अंतर्गत आता है, जिसमें दोस्तों पूरे 10 साल तक की सजा के प्रावधान है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि योगी जी द्वारा बनाया गया जो कानून है ना, वो नया नहीं है, बल्कि देश की जनता को चुतिया बनाने का नया तरीका है। चलिए दोस्तों, ये तो थी पहला पॉइंट। अगर महिला सामान्य वर्ग से है, समाज के सामान्य वर्ग से है, तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष की सजा होगी। और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है, तो फिर ये सजा बढ़कर 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि अध्यादेश के पहले पॉइंट के जरिए देश की जनता को चुतिया बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, ये वाला पॉइंट जो है ना, वो खुद ही चुतिया वाला है। इस पॉइंट में दोस्तों ये कहा गया है कि अगर अपराध सामान्य वर्ग की महिला के साथ किया गया है, तो दोस्तों उसको 1 से 5 साल तक की सजा मिलेगी। और अगर वही अपराध, जी हाँ दोस्तों, सेम अपराध एससी एसटी के महिलाओं के साथ होगी, तो वो 3 से 10 साल तक की सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जिस चूतिया ने ये कानून बनाया है, उसको ये नहीं पता है कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो समान वर्ग के महिला के साथ हो या फिर एससी एसटी वाले महिला के साथ हो। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा चूतिया वाला पॉइंट है। चूतिया वाला पॉइंट क्या, पॉइंट ही चूतिया है। अब दोस्तों, अध्यादेश के तीसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी, यानी कि दोस्तों एक साथ एक से अधिक लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इस कानून से क्या फायदा है, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, इस कानून से ये तो नुकसान जरूर होगा कि अगर कोई परिवार अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई परिवार मुस्लिम से हिंदू में जा रहा है या फिर दोस्तों हिंदू से कोई परिवार मुस्लिम बन रहा है, तो दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। यहाँ दोस्तों, इस कानून के इस पॉइंट से कोई भी परिवार अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब दोस्तों अध्यादेश के चौथे पॉइंट पर नजर डालते हैं। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने वाले पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमारे देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि अपने मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन दोस्तों यूपी में इस अध्यादेश के लागू होने के बाद से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो दोस्तों उसको सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। और अगर दोस्तों मान लो कि बिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे हुए कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दोस्तों उस पर गैर जमाती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि यूपी में धर्म परिवर्तन करने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या सब है। धर्म परिवर्तन करने या कराने के लिए जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा अब उत्तर प्रदेश में हो सकती है। धर्म परिवर्तन का ये कानूनी प्रक्रिया दोस्तों सुनने में जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं। अगर दोस्तों मान लो कि कोई बंदा और बंदी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो दोस्तों उससे पहले अपने जिले के डीएम साहब के पास एक आवेदन देना होगा और दोस्तों डीएम साहब जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती है या कर सकता है। और दोस्तों जैसे ही डीएम साहब के पास कोई आवेदन पहुंचेगा तो उस आवेदन को एक पब्लिक नोटिस बोर्ड पर उसको चिपका दिया जाएगा। उससे यह पता चलेगा कि वह लड़का या लड़की अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है, किसी के फोर्स में आकर धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। और दोस्तों पूरे 1 महीने तक ये मामला सामने नहीं आता है कि वह व्यक्ति दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, फिर दोस्तों डीएम साहब उनको धर्म परिवर्तन करने की अनुमति देंगे और उसके बाद वो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस कानून का जो असल खेल है ना उस खेल को समझिए। जब दोस्तों कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए एक आवेदन डीएम साहब को देगा तो वो जो आवेदन होता है ना वो नोटिस पब्लिक नोटिस बोर्ड पर लगाएगा और दोस्तों उस नोटिस बोर्ड पर हर धर्म के लोगों की नजर रहेगी। मान लीजिए दोस्तों कोई मुस्लिम लड़का या लड़की अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दोस्तों मुस्लिम संगठन जो है ना वो उस व्यक्ति की जानकारी निकाल कर उस पर यह दबाव बनाएगा कि वे धर्म परिवर्तन ना करे। और दोस्तों यह दबाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना कितने प्रकार का दबाव हो सकता है। और दोस्तों यही चीज हर एक धर्म वाले लोगों के साथ लागू होगा जो भी लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये समझ लीजिए कि हमारे संविधान ने जो हम लोगों को 7 फंडामेंटल राइट दिए हैं उसमें से दोस्तों एक है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और दोस्तों ये कानून तो आपको पता चल ही गया होगा कि उसी को खत्म करने का कानून है। खैर दोस्तों इस कानून को योगी सरकार ने तो यूपी में लागू कर दिया है लेकिन दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस कानून पर अभी सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों हम बस यही चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द से जल्द इस अध्यादेश पर रोक लगाए। अगर दोस्तों रोक नहीं लगाता तो वो दिन दूर नहीं कि ये सारे लोग यानी कि दोस्तों बीजेपी वाले लोग सारे जनता के मौलिक अधिकार को छीन लेंगे और दोस्तों ये लोग ये कहेंगे एक ही भगवान है सर्वशक्तिशाली सुपर कूल अंडरस्कोर इकलौता भगवान राजा माता ज्योति।